अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दोस्तों आज जिस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में 1 या 2 GB के बड़े बड़े मूवीज़ कैसे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, सो दोस्तों जब भी हम व्हाट्सएप में कोई मूवी या सीरीज अपलोड करते हैं तो वो तो मतलब आधे से भी कम अपलोड होता है, मतलब 4 से लेकर 6 मिनट तक ही अपलोड होता है। तो दोस्तों इस सूरत में हम कैसे मूवीज़ और सीरीज अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कोई ऐप्स या मतलब कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरी तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया करके। सो दोस्तों आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल उस ग्रुप या जगह पर आ जाना है। ठीक है, जहाँ पर आप लोगों ने मूवी या सीरीज अपलोड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ग्रुप को ओपन कर दिया। ठीक है, अब नीचे जो लिंक वाला ऑप्शन है, ठीक है, आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है, जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग अपने फ़ोन के इंटरफेस में चले जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने अब क्या करना है, 3 डॉट पर फिर से क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों यहाँ पर जो डाउनलोड है वो शो हो रहा है। ठीक है, जो आप लोगों ने डाउनलोड, ठीक है, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, 3 डॉट पर फिर से क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग के सामने यहाँ पर बहुत से ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, इमेजेस का, वीडियोस का, ऑडियो का, डॉक्यूमेंट डाउनलोड, सिट कार्ड का भी आ रहा है। ठीक है, आपका जो मोबाइल है, ठीक है, उसका नाम भी यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने मोबाइल पर क्लिक करते हैं। मोबाइल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने बहुत से फोल्डर शो हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, मूवीज जो है ना यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, आपने जो सीरीज अपलोड करना है, मूवीज अपलोड करना है, ठीक है, तो फोल्डर यहाँ पर शो होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इस पर क्लिक करना है। सो दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग के फोल्डर में जितनी भी मूवीज़ होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो नया मूवी आया है, ठीक है, 2023 का हार्ट ऑफ स्टोन का, ठीक है, तो ये तकरीबन 1.2 GB का है। ठीक है, तो मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता भी चल जाए कि मतलब GB में मूवीज़ अपलोड हो रही है। तो यहाँ पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये थोड़ा लोडिंग करेगा। ठीक है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये लोडिंग कर रहा है। ठीक है, सो दोस्तों ये हो चुका है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है, नीचे एरो के निशान पर क्लिक करना है और इसको सेंड करना है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर भी थोड़ा लोडिंग कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपका जो नेट है वो फास्ट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, ये मतलब इतना टाइम नहीं लेता, तकरीबन 15-20 सेकंड लेते हैं, इतना मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो यहाँ पर ऊपर देख सकते हो, ठीक है, ये स्टार्टिंग हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो नेट है वो जितना पास होगा, ठीक है, तो ये उतने पास से मतलब अपलोड होगा। तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो, ठीक है, जो मूवीज़ है, ठीक है, वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अपलोडिंग, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, ये तकरीबन 1 GB का मूवी है। ठीक है, और यहाँ पर ये अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मतलब मूवीज़ और सीरीज़ अपलोड कर सकते हो। ठीक है, सो दोस्तों अब इसमें एक प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम ये है कि ये जो है ना तकरीबन 2 GB तक सपोर्ट करता है। ठीक है, मतलब 2 GB से ऊपर आप मूवीज़ या सीरीज़ अपलोड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, 2 GB से नीचे जो मूवीज़ है, ठीक है, उसको अपलोड करना है। ठीक है, मतलब उससे ऊपर आप अपलोड नहीं कर सकते। ठीक है, सो दोस्तों वो प्रॉब्लम ये आता है कि जो प्रॉब्लम है, ठीक है, वो ये है कि आप 2 GB से ऊपर मूवी या सीरीज़ अपलोड नहीं कर सकती। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, 2 GB तक या मूवी या सीरीज़ अपलोड करना है। ठीक है, क्योंकि ये 2 GB से ऊपर से लेकर सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो आप लोगों ने इस तरह से मतलब जो कम MB का हो, ठीक है, कम GB का हो, ठीक है, तो आप लोगों ने अपलोड करना है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग मूवीज़ और सीरीज़ अपलोड कर सकते हो।